नमस्कार। इस क्रिसमस, न्यू ईयर और संक्रांति के शुभ अवसर पर जीवा फर्टिलिटी आपके लिए लाए हैं 30% डिस्काउंट IVF पैकेज पर। इसके बारे में और जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फोन कीजिए या अपने निकटतम जीवा फर्टिलिटी सेंटर पर अवश्य आइए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर स्वर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। मेल फर्टिलिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर का मिश्रण है। चार ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले होता है स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। हार्मोन्स टेस्टिस पे काम करते हैं और वहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। टेस्टिस का सही साइज का रहना, दोनों टेस्टिस का फंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या एक टेस्टिस का फंक्शन करने पर भी आप फर्टिलिटी पा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्रेन से FSH, LH वगैरह सब हार्मोन्स रिलीज होते हैं। टेस्टोस्टेरोन नामक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होता है, उसका भी रिलीज होना बहुत जरूरी है स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। वहां से स्पर्म प्रोड्यूस होना ही नहीं, मैच्योर होना भी बहुत जरूरी फैक्टर होता है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर होता है इजैक्युलेशन, यानी कि स्पर्म का प्रोड्यूस होना ही नहीं बट पूरा पैसेज में से बाहर आना भी बहुत जरूरी है। बाहर आने के लिए स्पर्म्स को सेमिनल वेसिकल्स या प्रोस्टेट के थ्रू आकर इजैक्युलेट होना चाहिए। जब ये इजैक्युलेट होते हैं तो बहुत रबरी लिक्विड के जैसा होता है। उसके बाद ये लिक्विफाई होते, नहीं कि थोड़ा सा पानी के जैसा लिक्विड में चेंज होने के बाद ही स्पर्म्स रिलीज होते हैं। ये सब होने के लिए सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, टेस्टिस का सही फंक्शन करना बहुत जरूरी है। और ये जो भी ट्यूब है, जो भी डक्ट है, जो भी जहां से भी ये निकल के आ रहा है, वहां पे कोई ब्लॉकेजेस नहीं रहना भी बहुत जरूरी फैक्टर है। तीसरा होता है नंबर ठीक रहना। जब सीमन बाहर आता है उसमें स्पर्म्स का नंबर भी बहुत जरूरी फैक्टर होता है। ये तो आपको सीमन एनालिसिस के द्वारा ही पता लगाया जाता है, पर अगर कहीं पे भी कुछ ब्लॉकेज हो या स्पर्म प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, सीमन बाहर आ सकता है, स्पर्म का बाहर आना जरूरी नहीं है। चौथा होता है क्वालिटी ऑफ सीमन। क्वालिटी ऑफ सीमन का मतलब ये है कि वो ठीक तरह से लिक्विफाई हो, यानी कि पानी की तरह चेंज हो और उसके बाद ही स्पर्म्स बाहर निकल पाते हैं। यही नहीं, हम सीमन एनालिसिस द्वारा ये पता लगाते हैं कि मोटिलिटी यानी कि हरकत और मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार भी ठीक है या नहीं। ये दोनों फैक्टर्स का बहुत जरूरी है कि नॉर्मल रहे ताकि अंडे तक पहुँच सके और उसे फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो में चेंज कर सके। तो ये फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, क्वांटिटी और चौथा क्वालिटी यानी कि मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी कैसा है स्पर्म्स का ताकि फर्टिलाइजेशन ईजिली हो। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। अ लॉट ऑफ एफर्ट हैज गॉन इनटू मेकिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।